मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। शुरुआत से हमारी आज इस हॉस्पिटल को आप 25 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो था काम हम लोगों ने शुरुआत करी थी वो पहले डॉग क्लिनिक था, तो धीरे धीरे शौक बढ़ते बढ़ते काम को अच्छा करते कि जानवरों के प्रति थोड़ा झुकाव ज़्यादा था, तो सभी तरह के पेट्स देखना, सारी स्ट्रे एनिमल्स को देखना, काउस को, डोंकीज़ को, स्ट्रे डॉग्स को, कैट्स को, इनके प्रति थोड़ी ज़्यादा आत्मीयता बढ़ती है, तो लगा कि और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, पेट्स के प्रति और ज़्यादा डेडिकेशन बढ़ना चाहिए। तो जो बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है उसके लिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी यहाँ पर इसमें हमने लेज़र थेरेपी शुरू करी हमने, जो कि अभी पूरे यूपी में कहीं नहीं है, और यूएस यूके में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित थेरेपी है, क्योंकि ये पेन मैनेजमेंट की थेरेपी होती है। इससे डॉग्स की हीलिंग पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और डॉग्स को कोई भी बिना इंजेक्शन दिए हुए ट्रीटमेंट देनी है, सबसे बेस्ट फैसिलिटी है। थोड़ा सा कई बार इसमें रिपीटेशन होता है, टाइम लगता है, बट ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की थेरेपी कही जाती है, इसे पेन मैनेजमेंट थेरेपी कहते हैं इसको हम। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत एडवांसमेंट करने के लिए, कई बार हमें ज़रूरत होती है कि किसी डॉग्स के स्टोन्स हो जाते हैं यूरिनल बैटर में, गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन आपस में इंटूसेप्शंस हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सिजेरियन में हमें सहायता, तो हमने अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटी स्टार्ट करी, तो अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑटो एंडोस्कोपी भी करते हैं, वो भी हमने आगरा में फैसिलिटी दी हुई है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने में नहीं, एंडोस्कोपी की सहायता से हमें बहुत अच्छे लगता है और बहुत बढ़िया अच्छी मदद मिलती है उसमें। तथा इसके बाद हम लोगों ने ग्रूमिंग पार्लर, जो डॉग्स आते हैं कई बार गंदे बहुत होते हैं, टिक्स बहुत होती हैं, बेसिकली टिक्स की वजह से जो होता है डॉग्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो उन डॉग्स को किस तरह से हमें बात देना चाहिए, एंटी फंगल बात, एंटी टिक बात देते हैं, तो हमने ग्रूमिंग पार्लर की भी स्टार्टिंग करी है यहाँ पर। तो हम ग्रूमिंग पार्लर की भी फैसिलिटी देते हैं, स्पा की फैसिलिटी देते हैं हम लोग साथ साथ। इसके अलावा हमने यहाँ पर डेंटल क्लिनिक खोला हुआ है अपने यहाँ पर, तो हम लोग डेंटल फैसिलिटी देते हैं। डेंटल क्लीनिंग की होती है जो डॉग्स की होते हैं, क्योंकि लोग डॉग को ब्रशिंग नहीं कराते हैं, तो डॉग्स के टार्टर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जो टार्टर जमा हो जाता है तो उनसे जो होती है हार्ट डिसीज़, कार्डिक डिसीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, उससे डॉग के लिए बहुत नुकसान होता है, तो उसको स्केलिंग करते हैं हम। डेंटल स्केलिंग करके इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, फ्रांस की मशीन है जिसको हम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है, डॉग्स के डॉग क्लीन हो जाते हैं, तथा इससे डॉग्स की लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। तो हर आदमी, हर जो पेट ओनर्स है उसको अपने डॉग्स के लिए कम से कम एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार डेंटल स्केलिंग जरूर करनी चाहिए, जरूर उसको करवानी चाहिए किसी भी स्पेशलिस्ट, डॉग स्पेशलिस्ट के द्वारा। तथा हम लोगों ने इसमें अपने यहाँ पर आई क्लिनिक खोला हुआ है, उसमें हमारे पास आई ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी है, जिसके द्वारा हम कई बार कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी करते हैं डॉग्स के। जिस तरह से आदमी में मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट की समस्या होती है, ग्लूकोमा होता है, उसी तरह से डॉग्स के अंदर भी कैटरेक्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मली कभी कभी 10-11 साल के डॉग्स में होती है, 8-9 साल पर भी जाती है। तो उसको मशीन के द्वारा देख के उसमें हम लेंस ट्रांसप्लांट करते हैं, इसमें लेंस इम्प्लांट करते हैं, जिससे कि उसके अंदर उसका विज़न आने की संभावना ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। कई बार डॉग्स टकराते हैं तो जब विज़न आता है तो डॉग्स का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ये इस तरह की फैसिलिटी हम लोगों ने अपने दी हुई है। तथा कई बार हम लोग एक्सरे और MRI और CT स्कैन जो है, ऐसी भी चीज़ों का जो कभी कभी हमारे पास क्रिटिकल केसेस आते हैं, तो हमने उसकी भी फैसिलिटी अपने आगरा में प्रोवाइड करी हुई है। डॉक्टर नेहरू डॉग हॉस्पिटल में हमने एक ऐसी विंटर्स में स्पेशली एक फैसिलिटी दी गई है
जो पपीज़ के लिए वार्मर की होती है, जैसे ह्यूमन बींग में होती है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं। तो इसी तरह से पप्स में भी काफ़ी क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर्स डायरिया जो होता है बहुत सीवियरली की तरह पे आ जाता है। जो पार्वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होते हैं उसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस होता है, और वो डॉग्स में काफ़ी डायरिया कई सारे दिनों तक चलता है, 3-4-5 दिन तक चलता है। तो उसमें जब हम ड्रिप देते हैं तो ड्रिप से उसमें बॉडी का हीट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसके लिए हमने अपने यहाँ वार्मर की फैसिलिटी दी हुई है। उस वार्मर मशीन के द्वारा बच्चे को उसमें वार्मर मशीन में रख दिया जाता है, उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ड्रिप भी जो देते हैं उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप दी जाती है, तो उससे उसकी ड्रिपिंग भी मेंटेन हो जाती है, इसके अलावा उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि पेट्स के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, उससे उसका पूरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है बच्चे का। एक डिजिटल ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है, और ओटी का मतलब होता है प्रॉपर स्टरलाइजेशन होता है, उसके अंदर स्टरलाइजेशन पूरे फुली स्टरलाइज होता है वो। इसके अलावा जो ओटी टेबल है वो भी उस पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है उससे, और इसमें जो एक से क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सिजेरियन है, पिनिंग है, प्लेटिंग है और प्लास्टर है। इसके अलावा जो होते हैं कई सारी एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं, वो सारी क्रिटिकल सर्जरी हम अपने यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर के द्वारा हम उसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है हमने उसमें, जिससे बॉडी का उसका SpO2 लेवल भी हम कंट्रोल करके देखते रहते हैं कि कितना आ रहा है, क्या चीज़ हो रही है। इस तरह से उसमें सारी फैसिलिटी है जो कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके क्लाइंट्स के पेट्स के लिए हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान अगर हमें पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमने उसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी दी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी हमारे पास में है, ऑक्सीजन भी हमारे पास में है, जिससे अगर ज़रूरत होती है पपीज़ को, छोटे पपीज़ को तथा बड़े डॉग्स को हम ऑक्सीजन उसमें डायरेक्ट दे सकते हैं, जिससे कि उसमें रेस्पिरेशन अरेस्ट होने के जो चांस होते हैं तो वो कंट्रोल किए जा सकते हैं इस ऑक्सीजन मशीन द्वारा। डॉक्टर नेहरू डॉग एंड कैट हॉस्पिटल में हमने एक पैट शॉप का भी क्लाइंट्स के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इसमें सभी तरह के डॉग फूड्स भी, सभी कंपनियों के डॉग फूड तथा वो मेडिसिंस भी हैं जो कि वर्ल्ड क्लास मेडिसिन जो है, प्लस इसके अलावा जो भी उनको क्लाइंट्स को चाहिए होती है वो उसकी जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हैं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, शैम्पूस, हर वेराइटी के, हर कंपनी के हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड करे हुए हैं। सभी कंपनियों का डॉग फूड भी हम प्रोवाइड कराते हैं तथा जो बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हैं वो भी अपने पास से हम प्रोवाइड कराते हैं।